नारकोटिक्स विभाग इंदौर की टीम ने सागर में आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 1 करोड़ रुपए के गांजे का अवैध परिवहन होते हुए पकड़ा है। बड़ी मात्रा में पकड़े गए गांजे को उड़ीसा के सोनपुर जिले से लाया जा रहा था। जोनल टीम ने बंडा थाना क्षेत्र के सौरई के पास ट्रक की घेराबंदी कर 655 किलो गांजा जब्त किया है। भाई जी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स विभाग की जोनल टीम ने विशिष्ट खुफिया तंत्र की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसे करने में 2 दिन का समय लगा है। नारकोटिक्स के विभाग पिछले 2 दिनों से इस ऑपरेशन में लगी हुई थी। टीम लगातार ट्रक के लोकेशन को ट्रैक कर रही थी और जैसे ही मौका मिला तो दबोच लिया। भारी मात्रा में जब्त हुआ इस गांजे को तस्कर पोहे की बोरियों के नीचे छुपाकर परिवहन कर रहे थे। जोनल निदेशक रितेश रंजन ने बताया कि मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर की टीम ने ट्रक को रोका और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की। गांजे की खेप जिला सोनेपुर ओडिशा से मंगाई गई थी और सागर मध्य प्रदेश के लिए नियत थी। यह बड़ी मात्रा में गांजे की बरामद है। NDPS एक्ट के अनुसार गांजा की व्यावसायिक मात्रा 20 किलोग्राम है। उन्होंने बताया कि साल 2024 में NCB इंदौर द्वारा प्रभावित गांजा की यह चौथी बड़ी जब्ती है। वर्ष 2024 के पहले 3 महीनों के दौरान NCB टीम इंदौर ने लगभग 4.5 करोड़ मूल्य के 2750 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है। NCB इंदौर अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को खत्म करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। बंडा से सूर्य कुमार दुबे के साथ रवि सेन, सागर टीवी न्यूज। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध है। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।